जोधपुर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर और आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अब मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि निजी अस्पताल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई एक निजी अस्पताल में जो कि वसुंधरा अस्पताल है उसमें गायनी विभाग में पेट के ऑपरेशन के लिए इसी महीने के 5 तारीख को एडमिट हुई थी और उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद में परिवार द्वारा उन्हें अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद में 10 दिन के इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो सकी और आखिरकार 2 दिन पूर्व देर रात उनका निधन हो गया। इससे पहले उनके ससुर साईराम बिश्नोई ने इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को शिकायत दी थी निजी अस्पताल के खिलाफ। इस पर शिकायत मिलने के बाद में जिला कलेक्टर ने इसके ऊपर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कमेटी बनाने के लिए कहा था। एसएन मेडिकल द्वारा तमाम विभागों को समग्र करके उनके एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई। इस एक्सपर्ट की टीम ने अब जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को अब जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को भेज दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। माना जा रहा है कि जो अस्पताल प्रशासन है, जो निजी अस्पताल प्रशासन है, उनके बयान और परिजनों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो निजी अस्पताल है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। कई जो इस विभाग इस पूरी कमेटी में जो डॉक्टरों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ डॉक्टरों ने इस पूरे मामले को लेकर शंका जताई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा भी अब उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जिसमें जयपुर के 3 डॉक्टरों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही एम्स के 2 डॉक्टरों को शामिल किया गया है। इसमें जिन विभागों के डॉक्टरों को शामिल किया गया है उसमें गायनी विभाग है, एनेस्थीसिया विभाग है, न्यूरो विभाग है और भी कई ऐसे विभाग है और जिनको जिनके एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द वे यहाँ जोधपुर पहुंचेंगे और निजी अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेंगे और इस पूरे मामले की जांच कर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद में यह पुष्टि हो पाएगी कि क्या एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई है या ये एक नेचुरल डेथ है। हालांकि जो निजी अस्पताल वसुंधरा अस्पताल है उनके जो निदेशक है डॉक्टर मकवाना, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि उनको एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को बचपन से एक बीमारी थी, उनकी झिल्ली सर में एक झिल्ली होती है, उन वह झिल्ली ऑपरेशन के बाद में संयोगवश उसके बाद में फट गई। यह बीमारी बचपन से होती है और जवानी में इसको फटने का खतरा रहता है। ऐसे में यह एक नेचुरल डेथ है। इसके अलावा जो है परिवारजन द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि निजी अस्पताल द्वारा एनेस्थीसिया ज्यादा दे देने कारण, बेहोशी की जो दवा होती है वह ज्यादा दे देने कारण उनका जो है तबीयत बिगड़ गई। इसके साथ में खून के रिसाव की भी बात सामने आ रही है और गलत इलाज की भी बात सामने आ रही है। हालांकि एक रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर अब राज्य सरकार द्वारा भी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में राज्य स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है वह क्या कुछ रिपोर्ट देती है। इसके बाद में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट गलत आती है तो निजी अस्पताल की मुश्किलें आगे जाकर बढ़ सकती है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।